ओमनी इनहांस फॉर्म के बारे में तो आपने सुना ही होगा। बेंटेन रीबूट की ओमनीट्रिक्स में कोई ग्लिच आने की वजह से ये फॉर्म्स बन गई थी और बेंटेन की ओमनीट्रिक्स बेंटेन के हर एलियन को रॉक पावर और इलेक्ट्रिक पावर दे रही थी, लेकिन ये इलेक्ट्रिक पावर बेंटेन के किसी भी एलियन को उसकी पावर के अकॉर्डिंग मिलती थी। जैसे कि एक्सेलरेट की पावर है कि वो काफी तेज दौड़ सकता है, तो एक्सेलरेट जब ओमनी इनहांस फॉर्म में जाएगा तो जो ओमनी इनहांस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी और रॉक मिलते हैं वो एक्सेलरेट की स्पीड बढ़ाने में मदद करेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉप 10 ओमनी इनहांस एलियंस के बारे में। अब ओमनी इनहांस फॉर्म में इन एलियन की कितनी पावर बढ़ जाती है उसी हिसाब से मैं इन एलियंस को रैंक करूंगा। जैसे कि किसी एलियन की पावर ज्यादा बढ़ती है तो किसी एलियन की पावर कम बढ़ती है, और कोई कोई एलियन तो वैसा का वैसा ही रहता है, उस पे ज्यादा फर्क नहीं आता। तो उसी हिसाब से मैं इस वीडियो में उन एलियंस को रैंक करूंगा। तो नंबर 10 फोरआर्म्स। अब फोरआर्म्स का नाम सुन के आप काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए होंगे, लेकिन ओमनी इनहांस फॉर्म में जाने के बाद फोरआर्म्स की ज्यादा पावर नहीं बढ़ती, बस फोरआर्म्स की और ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और फोरआर्म्स के लुक में भी ज्यादा चेंज नहीं आता और फोरआर्म्स को दो और पंचेस एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, लेकिन ओमनी इनहांस फोरआर्म्स को आराम से बेंटेन 1000 का फोरआर्म्स हरा देगा। नंबर 9 ओमनी इनहांस कैनन बोल्ट। ओमनी इनहांस फॉर्म में जाने के बाद कैनन बोल्ट के पास रॉक पावर और इलेक्ट्रिक पावर दोनों तो आती हैं, लेकिन उसकी एडवांटेज ये होती है कि वो रोल करते हुए अपने स्पैक्स को शूट कर सकता है, जो कि हमने ओमनी इनहांस कैनन बोल्ट को ज़ोंबोज़ो के साथ फाइट करते हुए देखा था। वहाँ पर ओमनी इनहांस कैनन बोल्ट अपने स्पैक्स को शूट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो ओमनी इनहांस कैनन बोल्ट के स्पैक्स थे वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, वो तो हवा में ही उड़ जा रहे थे और इलेक्ट्रिक पावर की उसके पास ज्यादा एडवांटेज नहीं होती। मतलब कम से कम इलेक्ट्रिक पावर के साथ उसकी स्पीड में तो फर्क होना चाहिए था, लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी मेरे को यहाँ पर कम और लग रही थी। तो कैनन बोल्ट के पास ज्यादा एडवांटेज नहीं आती ओमनी इनहांस फॉर्म में जाने के बाद, इसीलिए ओमनी इनहांस कैनन बोल्ट उतना पावरफुल नहीं हो पाता। नंबर 8 ओमनी इनहांस ग्रे मैटर। ओमनी इनहांस ग्रे मैटर को नंबर 8 पर देखने के बाद आप लोग काफी ज्यादा चौंक गए होंगे। अब देखो यार, ओमनी इनहांस ग्रे मैटर काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ओमनी इनहांस ग्रे मैटर का साइज भी काफी ज्यादा बड़ा होता है और वो अपने हाथ पैरों को भी कितना भी लंबा कर सकता है और अपने हाथ पैरों की रस्सी बनाकर अपने एनिमी को जकड़ सकता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी दे सकता है और वो दूर खड़े होकर ही अपने एनिमी को जकड़ सकता है। तो इसीलिए ओमनी इनहांस ग्रे मैटर काफी पावरफुल तो है, लेकिन वो उतना भी पावरफुल नहीं है क्योंकि वो ग्रे मैटर है और ग्रे मैटर का सर काफी ज्यादा छोटा है और उसकी बॉडी काफी ज्यादा बड़ी है, तो ये उसके लिए डिसअपॉइंटमेंट की बात है। अगर ग्रे मैटर का सर थोड़ा बड़ा हो जाता ओमनी इनहांस फॉर्म में तो ओमनी इनहांस ग्रे मैटर थोड़ा और ऊपर आ सकता था। नंबर 7 ओमनी इनहांस स्ट्रिंग फ्लाई। अब ओमनी इनहांस स्ट्रिंग फ्लाई काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो उड़ते उड़ते ही अपने एनिमीज का शिकार करता है और ओमनी इनहांस स्ट्रिंग फ्लाई के पास एडवांटेज ये आ जाती है कि वो अपने लिक्विड को शूट करने के साथ ही उसमें इलेक्ट्रिक पावर भी शूट कर सकता है, इसीलिए ओमनी इनहांस स्ट्रिंग फ्लाई भी काफी पावरफुल है और इसमें इसकी बदबू भी कम हो जाती है। नंबर 6 ओमनी इनहांस डायमंड हेड। अब जैसा कि आप सभी को पता होगा, डायमंड हेड शेप शिफ्टिंग कर सकता है और वो शेप शिफ्टिंग करके अपने हाथ पैरों को किसी भी वेपन में चेंज कर सकता है और ओमनी इनहांस फॉर्म में जाने के बाद अगर वो कोई भी वेपन बनाता है तो वो क्रिस्टल का वेपन नहीं बनता, वो इलेक्ट्रिसिटी का वेपन बनता है। मे बी यहाँ पर डायमंड हेड के पास रॉक पावर भी आ जाती होगी, मतलब कि वो अपने वेपन्स को रॉक में भी चेंज कर सकता है, तो उसकी काफी ज्यादा एडवांटेज है यहाँ पर, तो इसीलिए वो नंबर 6 पर आया है। नंबर 5 ओवरफ्लो। ओवरफ्लो तो बेंटेन रीबूट का नया एलियन है और ओवरफ्लो के पास काफी ज्यादा पावर्स हैं, जैसे कि वो अनलिमिटेड वाटर शूट कर सकता है। अब ये थोड़ा थोड़ा वाटर हैजार्ड की तरह लग रहा होगा, लेकिन इन जनाब के पास आइस पावर भी है, मतलब कि ये आइस पावर भी शूट कर सकते हैं और ओमनी इनहांस फॉर्म में आने के बाद तो ये झटके भी दे सकते हैं। मतलब कि पानी और इलेक्ट्रिसिटी का कॉम्बिनेशन कितना बड़ा होगा आपको पता ही होगा, एनिमी को कितने ज्यादा झटके लगेंगे और भाई साहब इसकी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि इसे रोकना इम्पॉसिबल सा हो जाता है और इसके कंधों पर दो दो पंखे से भी आ जाते हैं जिसमें से ये पानी भी शूट कर सकता है और आइस भी शूट कर सकता है, तो इसकी पावर्स काफी ज्यादा हो जाती है। नॉर्मल फॉर्म में ये अपने हाथों से आइस और पानी शूट करता है, लेकिन यहाँ पर इसके पास दो दो बड़े बड़े पंखे आ जाते हैं जहाँ से ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी और आइस पावर शूट कर सकता है और साथ में इलेक्ट्रिक पावर भी।
नंबर 3 ओमनी इनहेंस हीट ब्लास्ट। नॉर्मल हीट ब्लास्ट ही इतना कूल एंड ऑसम है, ओमनी इनहेंस फॉर्म में जाने के बाद तो ये पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। मतलब कि जहाँ जहाँ से इसकी फायर निकल रही होती है वहाँ वहाँ से ब्लू फायर निकलने लग जाती है और ये बिल्कुल फ्रीज ब्लास्ट जैसा लगने लग जाता है और इसमें से बिल्कुल फ्रीज ब्लास्ट जैसी फीलिंग आती है। लेकिन यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रिक पावर आ जाते हैं और दो दो जेट पैक्स भी आ जाते हैं। अब अगर हमारा हीट ब्लास्ट कोशिश करता है तो वो फ्लाई तो कर लेता है लेकिन वो इतनी अच्छी तरीके से फ्लाई नहीं कर पाता, लेकिन इन दो जेट पैक्स के साथ वो आराम से फ्लाई कर सकता है। और ओमनी इनहेंस फॉर्म में हीट ब्लास्ट अपनी फायर पावर का तो यूज कर सकता है लेकिन फायर पावर के साथ उसकी इलेक्ट्रिक पावर भी आती है, इसीलिए ओमनी इनहेंस हीट ब्लास्ट काफी ज्यादा पावरफुल है। नंबर 3 ओमनी इनहेंस एक्सेलरेट। अब एक्सेलरेट को तो आप सभी लोग जानते होंगे, एक्सेलरेट बेन 10 का एक काफी ज्यादा कूल एलियन है और अभी तक का एक्सेलरेट तीसरा सबसे फास्टेस्ट एलियन है। और ओमनी इनहेंस फॉर्म में जाने के बाद तो एक्सेलरेट के पास इलेक्ट्रिक पावर तो आते हैं लेकिन इलेक्ट्रिक पावर उसके पहियों को काफी ज्यादा बड़ा कर देते हैं जिसकी वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और एक्सेलरेट पहले से काफी ज्यादा फुर्तीला भी हो जाता है। और एक्सेलरेट के पास और भी कई सारी एडवांटेज आ जाती हैं। नंबर 2 ओमनी इनहेंस वाइल्ड वाइन। अब भले ही वाइल्ड वाइन टॉप 10 की लिस्ट में भी ना आ पाए लेकिन यहाँ पर वाइल्ड वाइन नंबर 2 पर आ चुका है। ओमनी इनहेंस फॉर्म में जाने के बाद वाइल्ड वाइन की जो वीकनेसेस हैं, जैसे कि उसकी वाइन्स काफी ज्यादा कमजोर होती हैं और वो आराम से टूट जाती हैं, लेकिन ओमनी इनहेंस फॉर्म में जाने के बाद वाइल्ड वाइन की वाइन्स काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं और वो काफी ज्यादा टिकाऊ भी हो जाती हैं। प्लस यहाँ पर वाइल्ड वाइन के पास बॉल्स भी आ जाती हैं, प्लस उसके पास इलेक्ट्रिक पावर भी आ जाती हैं जिससे वो झटके भी दे सकता है, प्लस उसके पास एक्स्ट्रा हाथ भी आ जाते हैं और कई सारी उसकी वीकनेसेस चली जाती हैं और कई सारी उसकी पावर्स बढ़ जाती हैं। इसीलिए मैंने ओमनी इनहेंस वाइल्ड वाइन को नंबर 2 पर रखा है। नंबर 1 शॉक रॉक। अब शॉक रॉक के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, इसी एलियन की वजह से बेन 10 के हर एलियन को ओमनी इनहेंस फॉर्म मिली थी। अब भले ही आप ये मान लो कि इस लिस्ट में एक एलियन कम पड़ रहा था, भले ही ये मान लो कि शॉक रॉक बेन 10 का सबसे पावरफुल ओमनी इनहेंस एलियन है, मैंने तो अपनी टॉप 10 की लिस्ट पूरी कर दी और मैं भी पहले ये सोचता था कि ये कौन सा ओमनी इनहेंस एलियन है, लेकिन बाद में पता चला कि ये एक सेपरेट एलियन है जिसका नाम है शॉक रॉक। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अपनी टॉप 10 की लिस्ट मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सबसे बड़ी बात चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना।